इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम है। दरअसल आपको जानकारी दें कि पलवल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आज जनसंवाद कार्यक्रम का तीसरा और आखिरी दिन है। इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जनता से वो रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आज आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम का आखिरी दिन पलवल का 3 दिवसीय दौरा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुबह 10 बजे होटल में जनसंवाद करेंगे सीएम। इससे पहले हथीन की जनता को उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। तमाम जगहों का पलवल में वो दौरा कर चुके हैं और जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री अब तक दे चुके हैं। शाम तकरीबन 5:30 बजे तक चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे सीएम मनोहर लाल। सीधे रुक कर लेते हैं पलवल से, संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम, आज आखिरी दिन, क्या कुछ महत्वपूर्ण? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार पलवल से 3 दिन में विधानसभा और जिले की सभी विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर आज फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल होडल विधानसभा से शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पर अभी लगभग 10:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री हरियाणा शक्ति सरोवर जो मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर वे पहले जाएंगे और वहाँ पे लोगों से जनसंवाद करेंगे और उसके बाद एक कार्यकर्ता के यहाँ जाकर वहाँ पर उनका जलपान है और उसके बाद वो सीधा हसनपुर के लिए निकलेंगे, जहाँ पर आज उनको एक बस स्टैंड का भी उद्घाटन करना है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे, जिसके बाद लगभग 1 बजे के करीब फिर वह खामी गांव पहुंचेंगे, जहां पर लोगों के बीच में जनसंवाद करेंगे और उसके बाद फिर जो 2 बजे के करीब, लगभग 2:15 बजे के करीब बड़ौली गांव, जो कि गुर्जरों का बहुत बड़ा गांव है, अगर मैं बात करूं यहां से गुर्जरों की राजनीति काफी बड़ी चलती है, तो मुख्यमंत्री ऐसे में वहां पर गुर्जरों की वोट साधने के लिए भी पहुंचेंगे और बड़ौली में अपना जो जनसंवाद है वहां से करेंगे। उसके बाद फिर आज अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती पर एक रसलपुर गाँव पलवल विधानसभा में पड़ता है, तो वहां पर भी वह पहुंचेंगे और उसके बाद जब वहां पर पहुंचेंगे तो अम्बेडकर की जो वहां प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद वहां पर जो भी लोग हैं उनको वहां पर जनसंवाद के बाद लोग एक वहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम है ताकि लोगों से वे रूबरू होकर उनसे जो उनकी समस्याएं हैं वह पूछेंगे और वहां पर जो सरपंच है उनसे भी बातचीत करेंगे। लगभग जो आखिरी प्रोग्राम है पलवल विधानसभा के गांव चांदट का है, जहां पर मुख्यमंत्री लगभग 4 बजे के करीब पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जब वापस उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वह वापस चंडीगढ़ के लिए उड़ान भर लेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा दौरा है अगर हम देखें तो चुनावों के मद्देनजर। बिल्कुल, चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री का आज जनसंवाद कार्यक्रम और आज पलवल दौरे का समापन।